हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिशन टिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसे लिखा है जेम्स हैरियट ने, और स्टोरी है द ट्राइम्प ऑफ सर्जरी। जेम्स हैरियट जो हैं, इनका जन्म होता 3 अक्टूबर 1916 को, उनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1995 को। एक ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन और ऑथर थे, वही इसमें हमें कहानी बता रहे हैं मिस डॉक्टर हैरियट के नाम से। इस कहानी में मेन 3 करेक्टर्स हैं, एक ट्रिकी जो स्मॉल डॉग है, पैम्पर है, और उनकी रिच मिस्ट्रेस हैं जिसका नाम है पैम्फ्री, जिसने बहुत लाड़ प्यार से इसको पाला है और इतना ज़्यादा मतलब प्यार करा, खाना खिला दिया जिससे वो बीमार हो गया। और उसका मालिक एक बात करता है वेटरनरी डॉक्टर जो मिस्टर हैरियट हैं, जो राइटर भी हैं इस जिन्होंने लिखी है वो हैं। ये 3 ही करेक्टर हैं, यानी ट्रिकी, मिसेस पैम्फ्री और मिस्टर हैरियट। तो अब ये कहानी है कि वो कुत्ता बीमार हो जाता है, क्या वो सही हो पाता है, नहीं हो पाता, क्या उसका कोई ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी होती है, तो इस कहानी में हम यही देखते हैं। तो ये कहानी ट्रिकी पे है। तो जो डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट जो थे, वो एक बार कार से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मोटा सा जो कुत्ता है जो ट्रिकी वो आ रहा था, तो उन्होंने शौक लगा क्योंकि वो जो कुत्ता है ना इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था, सॉसेज की तरह, कबाब की तरह, जिसके चार, जब ऐसा लग रहा था पूरा सॉसेज हो गया, उसके चार टांगे ना कबाब की तरह लग रही थी, उसकी जो आँखें थी ना ब्लड शॉट के समय लाल हो गई थी, ब्लड शॉट जैसी, और उनमें ना पानी बह रहा था, वो बिल्कुल सामने देख रहा था, जीभ जबड़े से बाहर आ रही थी, इतना मतलब परेशान लग रहा था। और ये देख के डॉक्टर को शौक लगा, ये क्या हुआ। तो जैसे ही पैम्फ्री को डॉक्टर दिखा तो उसने कहा, हेलो डॉक्टर्स, मिस्टर हैरियट, ये बहुत ना बहुत सुस्त हो गया था, थोड़ी मुझे लगी कि इसमें एनर्जी की ना थोड़ी सी कमी है, तो मैंने क्या करा, इसे थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन जैसा लगा मुझे, तो मैंने इसे कुछ एक्स्ट्रा खाना दे दिया जिसमें कॉल्ड लीवर था, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स था और माल्ट था, ये सारी चीज़ें मैंने दी। तो फिर डॉक्टर ने कहा, क्या मैंने आपको जो बताया था कि इसकी स्वीट्स इसे कम देनी है, क्या आपने इसे कम किया। तो बोला, नहीं, मुझे ये इतना ज़्यादा वीक लग रहा था ना, मैंने ये सारी चीज़ छोड़ दी, ढिलाई करी मैंने, इसमें नहीं दी। और ऊपर से वो बता रही है मिसेस पैम्फ्रे कि क्रीम केक और चॉकलेट तो बहुत पसंद है, तो वो इसको मना नहीं कर पाई, उसने ये भी दी। तो अब डॉक्टर सोच रहा है यही तो इस डॉग की दिक्कत है कि ये ग्रीड मतलब लालची है, इसको कुछ भी दो ये रिफ्यूज़ नहीं करता, सब कुछ खा लेगा बिना कुछ सोचे, दिन हो रात हो हर चीज़। और मिसेस पैम्फ्रे भी इसको देंगी। तो फिर डॉक्टर कहता है कि मैंने आपको जो बताया था इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवाई आपने। तो वो कहती है, नहीं, ये थोड़ा मेरे साथ में इसको घुमा के तो लाती थी, लेकिन जो हमारा जो गार्डनर है जो हॉजकिन है, उसके थोड़े ना कमर में थोड़ा दर्द था, तो वो ये रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज वो नहीं करा पाए। अब डॉक्टर को भाई थोड़ा गुस्सा भी आ गया, थोड़ा उसने सीरियस दिखना, उसने कह दिया कि देखो वाइफ की सिचुएशन जो इस डॉग की है ना बहुत क्रिटिकल है, यदि आपने इसके भोजन में तुरंत कमी नहीं की ना और इसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज नहीं करी, तो सचमुच में बीमार हो जाएगा और अच्छा खासा बीमार हो जाएगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा, और जो मैंने बताई है ना आपको फिक्स यही डाइट इसकी फॉलो करनी होगी। अब पैम्फ्रे ने सुना तो उसे लगा, ओह, ये हो सकता है कि डॉक्टर, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये ऐसे हो सकता है, देख। और उसे बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि इतना प्यार करती थी, वो मना तो कर नहीं सकती थी उसका आने, तो वो उसे बेचारी सिर झुकाए सड़क के किनारे किनारे चलने लगी। अब उसे दुख हो रहा था कि भाई उसके जो खाना दिया है ना इसको एक्स्ट्रा, तो इसकी वजह से ऐसे भी हो सकता है। अब उसकी वो बेचारी बड़ी चिंता के साथ जाते हुए डॉक्टर से देख रहा था, तो उसने देखा ट्रिकी अपने ऊनी कोट के साथ लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। उसके पास ऐसे कोटों की पूरी अलमारी थी, यानी कि शीत ऋतु यानी विंटर्स की थी, वर्षा ऋतु की यानी कि रेन सीजन्स की जो अलग अलग कोट थी, साथ ही अलग अलग डेकोरेटिव क्लॉथ्स उसके पास थे। अब वो समझ गया कि जल्दी पैम्फ्रे कॉल करने वाली है क्योंकि वो ये सब कर नहीं कर पाएंगे, उसे स्वीट भी देंगी, चॉकलेट भी देंगी, सब कुछ देंगी, तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही। कुछ दिन बाद आ भी गया कॉल, मिसेस पैम्फ्रे ने बताया कि ट्रिकी तो भाई बीमार हो गया है, अपना फेवरेट जो उसका फूड है वो भी नहीं खा रहा है, और बार बार वोमिटिंग यानी उल्टियाँ कर रहा है, और सारा टाइम अपने मैट पे लेटा रहता है, न वो कहीं घूमने जाना चाहता है, न और कुछ करना चाहता है। अब डॉक्टर को तो पता था क्योंकि कॉल आने वाला है, और उन्होंने प्लान बना लिया एडवांस में। उन्होंने कहा कि भाई मैं कम से कम 15 दिन तक इसको इसके घर से दूर करूँगा, हॉस्पिटलाइज करूँगा, नहीं तो ये डॉग नहीं बच पाएगा। तो उसने अब गया वहाँ पर, तो उसके पैम्फ्रे को ये बात बताई कि भाई इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तो वो लगभग बेहोश जैसी होगी, इतना दुख हुआ उसको, उसे
उसे पूरा विश्वास था कि यदि वह उसे प्रतिदिन नहीं मिली ना तो वो मर जाएगी, यानी रोज़ नहीं मिलेगी तो मर जाएगी, इसलिए वो बेहोश हो गई। लेकिन डॉक्टर तो भाई अपने बात पढ़ा रहा, उसे पता था कि अगर वो इसमें करेगा तो ये बचेगा नहीं। अब उसने कहा ठीक है भाई डॉक्टर आप कह रहे हो तो आप ठीक ही कह रहे हो। उसने बेचारे उस कुत्ते को कंबल में लपेटा और उसकी कार में बिठा दिया और बेचारे रोने लगी। थोड़ी कार स्टार्ट करी तो रोने लगी, पर ये सुन के उसके जो सर्वेंट है वो जाग गई, जल्दी से भागी उसके बिस्तर लेने, उसके मतलब उसके फेव बेड्स ही अलग थे, नाइट बेड अलग, डे बेड अलग, उसके फेवरेट कुशंस, टॉय, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल अलग था उसका, लंच बाउल अलग था उस, और डिनर का अलग बाउल था, ये सारी चीज़ें लेके भागे। तो अब डॉक्टर सोचा भाई मेरी कार में तो कैसे आएंगे ये सारी चीज़ें, तो उसने कार थोड़ी तेज़ चलानी स्टार्ट कर दी। लेकिन वो मानने वाले थोड़ी थे सर्वेंट, उन्होंने जल्दी से भाग के कार की खिड़की में से ये सारी चीज़ें अंदर डाल दी। अब बेचारा क्या करे, डॉक्टर को तो ले ही जानी थी ये सारी चीज़ें मिस्टर हैरियट को, तो वो ले के चले गए। उन्होंने फिर कुत्ते को देखा, कुत्ता बेचारा पड़ा हुआ था, हाँ लेटा हुआ था उसमें और पूँछ हिला रहा था, मतलब इतना ज़्यादा ओवर हीटेड हो गया था वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में इसको ले गए और वहाँ पे और भी बहुत सारे कुत्ते थे, तो उसने जब उसको नीचे रखा तो वो गली यानी कि मैट पे रखा तो एकदम बेचारा लेटा रहा आराम से, दूसरे कुत्ते आए उसे सूंघा और करा कि भई ये तो कोई मज़े नहीं आए, अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है, उसको देख के वो चले गए। उसके बाद उसने उसका जो बिस्तर है ना खुले संदूक के पास लगाया और उसके दूसरे कुत्ते भी वहीं सोते थे। 2 दिन तक उसने कोई फूड उसे नहीं दिया, बट हाँ प्लेंटी ऑफ वाटर उसे दिया, और वो बेचारा लेटा रहा थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूमता रहा। तो तीसरे दिन वो थोड़ा थोड़ा बाहर आया और उसने फिर देखा कि एक जो जो है एक डॉग, शिकारी डॉग है वो आया, उसने उसको देखा थोड़ा बहुत, उसके साथ वो कुत्ते भी थे थोड़ा बहुत उसको लुड़काया, लेकिन उसे भी कोई मज़ा नहीं आया, अनइंटरेस्टेड सा था वो, कुछ कर ही नहीं रहा था, तो वो कुत्ते भी चले गए। उसके उस दिन के बाद में यानी तीसरे दिन उसने भोजन के समय वो जब वहाँ पर वो डॉक्टर था देखा, ट्रिस्टन जब मतलब उसका असिस्टेंट था वो उसके लिए बाउल्स रख रहा था और कुत्तों के लिए, और वो कुत्ते भाग भाग के जल्दी जल्दी अपना खाना खा रहे थे और हर कोई पिछड़ना नहीं चाहता था, जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे वो सारे। तो अब भोजन सारों ने खा लिया कुत्तों ने, तो कटोरी चमका दी। अब बेचारा ट्रिक्की आया, उसे तो चला तो जाता नहीं था, जाके फिर कटोरों को चाट रहा है, तो उसने कहा कि भाई इसके लिए एक अलग रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसको देना पड़ेगा। और देखा उन्होंने कटोरा रखा तो वो भी जद्दोजहद कर रहा था, मतलब वो भी खाने के लिए धक्का मुक्के कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। देख के उसको डॉक्टर्स को, डॉक्टर हेड को बहुत खुशी हुई कि भाई देखो थोड़ा सा तो एनर्जेटिक हुआ, थोड़ा सा तो मूवमेंट करा इसने, और फिर धीरे धीरे उसमें जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट होने लगी। क्योंकि जबकि डॉक्टर ने उसे कोई भी मेडिसिन नहीं दी थी, सिर्फ उसका खाना पहले तो बंद कर दिया था 2 दिन के लिए, सिर्फ पानी पिलाया था, प्लेंटी ऑफ वाटर, और फिर ये अपने आप कुत्तों के साथ उनके झगड़े होते, कुत्ते लड़ते रहते तो उनमें भी ये पार्टिसिपेट करने लगा और फिर उनको ग्रुप का मेंबर भी ये बन गया। और वो रात को चूहे वूहे पकड़ते कुत्ते, तो उनके साथ भी ये इजीली घूमता था। तो अब क्या हुआ, तो पैम्फ्रे को, पैम्फ्रे कहाँ टिकने वाली थी, वो तो उसके बिना रह ही नहीं सकती थी, दिन में कम से कम 6-7 बार फ़ोन करती, पूछती कि आपने उसके जो गद्दे हैं वो बदले नहीं बदले, मौसम के अनुसार आपने उसे कोट पहना है नहीं पहना है, लेकिन डॉक्टर ये सब चीज़ें टाल जाता। अब पैम्फ्रे को ये बताना ज़रूरी था कि भाई वो थोड़ा ठीक हो गया है। जैसे ही उसने बताया कुछ ठीक हो गया, खतरे से बाहर है, तो उसने फ्रेश एग 2 डज़न एक बार में 2 दर्जन अंडे भेज दिए। अब वो तो कुत्ते को तो देने वाले थे नहीं, क्योंकि वो वैसे ही ओवर हीटेड था, सॉसेज की तरह था, तो उन्होंने खुद सुबह भी खाने लग गए, दोपहर में भी खाने लग गए और फिर वाइन भी आने लगी, कमाल की बात है। तो ये देख के उन्हें लगा भाई बहुत सिचुएशन, ये तो वाइन तक पिला रही कि जिससे इसका जो खून है ना वो प्योर हो जाए, मतलब गाढ़ा हो जाए, अच्छा हो जाए। अब सुबह अंडे, दोपहर में अंडे, उसके साथ वाइन, और फिर और देख के उनको हुआ कि भाई रात को ब्रांडी भी आने लग गई, ब्रांडी, फिर रात को आग जला के ब्रांडी पीते, मतलब मज़े के थे ये दिन जो ब्रांडी पीने के। अब वो हम मुश्किल से विश्वास कर पाए कि उसकी जो वो जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो बहुत सही होगी, तो भाई कॉल तो करना ही था प्रेमफ्रे को, क्योंकि ठीक हो गया था, 15 दिन भी हो गए थे, लेकिन मज़े के दिन थे, अंडे खा के, वाइन पी के, ब्रांडी पी के, लेकिन कॉल तो करनी था। उसने कॉल कर दिया कि भाई आपका कुत्ता ठीक हो गया, आप इसे ले जा सकते हैं। कुछ ही मिनट के बाद भाई, कुछ टाइम के बाद एक 30 फीट लंबी गाड़ी आई और गेट के बाहर रुकी, ड्राइवर ने गेट खोला, पैम्फ्रे अंदर थी, बिल्कुल झुकी हुई थी, उसके ने हाथ कस करके आगे बंधे हुए थे और होंठ कांप रहे थे। तो उसने, डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप बैठे रहिए,
मैं ले आता हूँ उसको। तो वो मकान से होते गार्डन में गया, फिर कुत्तों के झुंड थे वो मैदान में भाग रहे थे, तो उनमें से बीच में से उसको ये डॉग को लेके आया जो ट्रिकी था, और वहाँ पे वापस उसको गेट के पास उतार दिया। जैसे कार के दरवाजे के पास पहुँचा, ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो उसकी गोद में ज़ोरदार छलांग मारता हुआ पैम्फ्रे की गोद में जा गिरा। वह चूक गई, उफ ओ, तभी वो अपने आप को बचाना बचा रही थी, क्योंकि वो इतना उसको चाट दिया, उसको इतने भोंक रहा था और इधर उधर घूम रहा था, तो इतने वो जब सब चीज़ हो रही थी, तो डॉक्टर ने उस ड्राइवर के हेल्प से वो जो सारे उसके जो आइटम्स थे, गद्दे थे, बाउल्स थे, जो भी उसके कोट थे, वो सारे कार में रखवा दिए। और उसने देखा कि पैम्फ्रे ना उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे हैं और उसके होठ कांप रहे थे। वो बोली, ओह मिस्टर हैरियट, वो तो यानी कि चिल्लाई कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज चिम्स ऑफ द स्टोरी, यानी कि आपकी ये आपकी हॉस्पिटल की ये विजय है। तो हमने देखा कि डॉक्टर ने उसे कोई मेडिसिन नहीं दी, उसके कोई ऑपरेशन नहीं करा, सिर्फ उसे नेचुरल रखा, उसकी डाइट जो थी वो कंट्रोल रखी, और उसे प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, एक्सरसाइज, वो कुत्तों के साथ इधर से इधर भागते उसकी वो भी। तो लेकिन ये जबकि जो उसकी मालकिन थी उसे इतना प्यार करती थी कि उसे सारी चीज़ खिलाती थी, उसकी वजह से वो इतना सॉसेज हो गया, और लास्ट में डॉक्टर ने अपनी सूझबूझ से बिना कोई दवाई बिना कोई ऑपरेशन उसको ठीक कर दिया। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल दैट गुड बाय।